हेलो एंड वेलकम टू इलेना टेक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी ई पंजाब स्कूल वेब पोर्टल पर। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने ई पंजाब स्कूल से अपने स्कूल के लिए 2023 के लिए जो रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज और हाफ डे हॉलीडेज जो आपने फिल करनी है या एनुअल फंक्शन के लिए जो आपने डेट फाइनल करनी है वो आप कैसे करोगे, इसके रिगार्डिंग जो पोर्टल है वो अपडेट हो चुका है और इसके रिगार्डिंग जो लेटर है वो लेटर भी जारी हो चुकी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे YouTube चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उस लेटर की, वो लेटर आज ही इशू हुआ है। तो आज आपकी जो 18 जैन है आज के दिन वो आपकी जो लेटर है वो इशू हुई है, जिसमें लिखा गया है कि स्कूलों में राखवी छुट्टियां अद्धे दिन की छुट्टियां संबंधी विषय अंकित संबंधी लिखा जाता है कि आप वालों साल 2023 दो राखवी छुट्टियां ते चार बाद दोपहर अद्धे दिन की छुट्टियां ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਔਨਲਾਈਨ ਈ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਭੇਜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ। ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 23, ਤੋ ਆਪਕੋ ਜੇ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਇਸ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ 23 ਜੈਨ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਕੋ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਿਤੀ ਭਾਵ 23/1/2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ इस पोर्टल से कोई भी छुट्टी सालाना फंक्शन की मिति अपडेट नहीं की जाएगी। यह छुट्टियां सरकारी लिस्ट विच चुन के पहला ही प्रवान करवा लिया जान। कंपलैक्स मिडल स्कूलों विच भी उही लोकल छुट्टियां करन दी हदायत की जाए जो उन्होंने स्कूल मुखी मुख स्कूल वालों की गई है। एक बार स्कूल वालों पोर्टल से सबमिट की गई छुट्टी सालाना फंक्शन की मिति किसी हद तक कैंसल या बदली नहीं जाएगी। एक बार जो आपने डाटा फिल कर दिया सबमिट कर दिया उसके बाद इसमें चेंजेस नहीं हो सकती, चाहे जो मर्जी कर लो। तो इसको बिल्कुल आपने ध्यान से फिल करना है। इसकी जो लिस्ट है हॉलीडेज की वो यहाँ पर नीचे उन्होंने दी हुई है सारी की सारी, ये देखकर ही आपने क्या करना है, डाटा फिल करना है। अब डाटा आप कैसे फिल करोगे वो आप करोगे ई पंजाब पर। तो हम जाते हैं ई पंजाब स्कूल वेब पोर्टल पर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एक इसका जो डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड पर आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। आपने अदर में जाना है, अदर में आपको मिलेगा रिस्ट्रिक्टेड एंड हाफ डे हॉलीडेज, जो अदर नाम का मॉड्यूल है वहां पर आपको मिलेगा ये वाला फंक्शन। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, अब देखिए यहाँ पर 2023 की सारी हॉलीडेज यहाँ पर अपडेट हो चुकी हैं। इससे पहले ये हॉलीडेज यहाँ पर अपडेट नहीं थी, 22 का ही आ रहा था, अब 23 का भी आ चुका है। जो आपका ब्लू कलर में है वो देखिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, जो आपका इस कलर में है वो आपका हाफ डे हॉलीडेज है। तो ये वाली आपकी हाफ डे हॉलीडेज है, ये आपकी क्या है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। आपने करना है क्या, मान लीजिए कि आपने कोई एक छुट्टी आपने करनी है, जैसे ये बुद्ध पूर्णिमा की करनी है, तो आप इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ से आप इसको इस एरो से इस तरफ आ जाएगी। आप सिर्फ दो ही सिलेक्ट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप ये वाली करना चाहते हो एंड देन वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि नहीं ये वाली मुझे नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हो, क्लिक करके रिमूव। तो यहाँ से आपकी ऐड होगी, यहाँ से आपकी रिमूव होगी। वैसे ही आपकी जो आपकी क्या है आपकी हाफ डे हॉलीडेज हैं वो भी आपकी यहाँ से क्लिक करके इस तरफ आपकी आ जाएंगी, और यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। ये सब कुछ करने के बाद आप इसको सेव करोगे, सेव करने के बाद अगर आपका फाइनल बटन मिलता है तो आप फाइनल सबमिट भी कर देना, बट उसको करने के बाद आपका कुछ भी डाटा चेंज नहीं होगा। तो ये सेव करने से पहले एक बार आपने अच्छी तरह से इस तरफ देख लेना कि जो आपने हॉलीडेज फिल की हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि आपने जो रिस्ट्रिक्टेड और हाफ डे हॉलीडेज है वो कैसे फिल करनी है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, जय।